तो जी अब हमारे साथ मौजूद हैं सरदार गुलाम अब्बास साहब, एक्स मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट नाजिम। बुलाते हैं उनको स्टेज पे और लेते हैं उनके कुछ रिव्यूज़ अबाउट MGC। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए जो मेरे सामने ख्वातीन व हज़रात मौजूद हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए एक नई चीज़ है कि मैं किसी इस किस्म की एक्टिविटी में आज पहली दफ़ा कोई गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं कोई इन टेक्निकलिटीज़ से जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सामने रखी जाती हैं या जिन पे नज़र रखी जाती है, आप यकीन जाने मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। अलबत्ता मैं आज यहाँ आने से पहले जो दोस्त मेरे हमसफ़र थे, मैं उनसे यही गुजारिश कर रहा था कि हम वहाँ जाके क्या बात करेंगे, क्योंकि आज तक मैं ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारने के लिए तो कोई ना कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करना पड़ता है, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, ज़मींदार हूँ, उसी पेशे के साथ ज़िंदगी गुजर गई। तो मैं सोचते हुए आ रहा था, क्योंकि मैं यहाँ ये दोनों बच्चे जो ये MGC के हवाले से जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और एक इस नाम को लेके इस्लामाबाद बहरिया में ये इन्होंने स्टार्ट लिया है, तो इन बच्चों को मैं इस हवाले से जानता हूँ क्योंकि ये मेरे भाई इफ्तिखार साहब के बेटे हैं और इफ्तिखार साहब से मेरा रिश्ता कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, ये दिल का रिश्ता है। और बहैसियत इंसान मैं बाकी कुछ जानता हूँ या नहीं जानता, ये ज़रूर जानता हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट को एक कमिटमेंट के साथ इनके बेटे होने की हैसियत से, उस लिहाज से मेरे भतीजे भी हैं, ये एक कमिटमेंट के साथ आगे लेके जाएंगे। और यकीनन एक ख़ास क्लास होती है कि जो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए एक मैसेज ज़रूर दिया जा सकता है कि आप एतमाद इन पे कर सकते हैं और यकीनन मेरी दुआ होगी कि ये आपके एतमाद पे पूरा उतरे। खुदा इन बच्चों का मुहाफिज़ हो। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे भाई ने इस लिहाज से अपनी आंखों से ये देखा है कि इन बच्चों की जिस अंदाज़ से इन्होंने परवरिश की थी, मैं देखता रहा हूँ। अभी उनकी ये बच्चे स्कूल गोइंग थे तो मैं इनको देख रहा हूँ, जिस अंदाज से इन्होंने परवरिश की है, मैं इन बच्चों से यही कहूँगा कि दुनिया में बेटा सबसे बड़ी चीज़ कमिटमेंट है, और जहाँ पे भी कमिटमेंट करो उसको हानर करो, और कमिटमेंट करने से पहले हज़ार दफ़ा सोचो। और एक और मैं मुबारकबाद आपको देता हूँ, वो मुझे शायद ज़िक्र नहीं करना चाहिए था, मुझे भाई इफ्तिखार साहब ने कहा है कि चकवाल में कोई नाम शायद आपने चुना है जो यकीनन रिश्ते में हम किसी ना किसी हवाले से ब्लड लाइन हमारी एक है, लेकिन गुलशेर खान का नाम आज भी जो आज चौथी नस्ल में भी शायद मेरे इन अजीज़ का नाम लोग न जानते हों, लेकिन जिन्होंने गुलशेर खान को उनके दादा ने देखा होगा वो भी, वो बच्चे भी जानते हैं कि गुलशेर खान एक शख्सियत थे। खुदा आप सबका हामी नासिर हो और आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से अच्छा नाम मिले, ग्रो करें और दुनिया के जो हमारे मुल्क में जो नाम हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप बुनियादी अच्छे असूलों में उनसे लीड लेके चलें और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। शुक्रिया।